तो चलिए हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन का इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रिएक्शन में कराना क्या है हम लोग को, बोल रहा है कि क्यों हम लोग जब एक अल्कोहल लेते हैं ROH और जब हम लोग इसे KI से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे H2SO4 क्यों नहीं लेते हैं। फाइनल ध्यान दीजिए, यहाँ पे होना क्या था, यहाँ पे RI बनना था और प्लस KOH बनना था, लेकिन बोल रहा है कि जब ये रिएक्शन हम कराते हैं तो H2SO4 क्यों नहीं लेते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो आप इसे समझिए, होता क्या है, ये KI जब हम यहाँ पे H2SO4 लेते हैं तो H2SO4 से रिएक्शन करता है और इस सल्फ्यूरिक एसिड से एक H को रिप्लेस करता है। तो ध्यान दीजिए, एक H को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे KHSO4 बनता है। याद कीजिए, ये बाईसल्फेट कहलाता है, HSO4-। और के पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों रिएक्शन करता है और प्लस यहाँ पे क्या बनता है, HI। क्या बनता है, HI। तो ये फर्स्ट स्टेप में हो जाता है। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये रिएक्शन में H2SO4 नहीं लेने का, ये दोनों है, ये एक HI और दूसरा H2SO4, क्योंकि ये आपस में रिएक्शन करके HI बन जाता है और HI जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां पे जो हम जानते हैं H2SO4 मेरा क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ध्यान दीजिए HI रिड्यूस होना चाह रहा है और H2SO4 एक ऐसा रिएजेंट है जो किसी को भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा ना। अरे सिंपल है, कोई मरना चाह रहा है और दूसरा उसे कोई मारना चाह रहा, बचाना नहीं मारना चाह रहा, तो ऑब्वियसली वो मरेगा ही मरेगा, तो ये रिड्यूस होना चाह रहा है और ये किसी को भी ऑक्सीडाइज होना चाह रहा, ये ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों रिएक्शन करेगा। तो होता क्या, ध्यान दीजिए H2SO4 ये रिएक्शन कर जाता है किससे, HI से, और इस HI को रिड्यूस कर देता है किसमें, I2 में, और साइड प्रोडक्ट SO2 और H2O। आप इसे बैलेंस कीजिए, यहाँ पे 2 लीजिए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप 2 लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए हुआ क्या, HI यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या हुआ, 0 हुआ, तो यहाँ पे चार्ज बढ़ा, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड इसे क्या कर दिया, I को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो यहाँ पे मेरा बनना चाहिए था क्या, RI। तो RI कब बनेगा, जब I नेगेटिव रहेगा तब ना, यहाँ पे I नेगेटिव रहा ही नहीं, किसमें कन्वर्ट हो गया, I2 में। इसीलिए हम लोग जब अल्कोहल और KI से रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे हम लोग H2SO4 को यूज नहीं करते हैं। तो रीजन क्या है, क्योंकि H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए कुछ भी, तब आपका RI का फॉर्मेशन हो जाएगा और रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।